एकोंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सिद्धि सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट टू वीडियो ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। Today we are going to discuss part 2 video of national income and its related aggregate. So our first topic will be difference between national income and domestic income. National income ka symbol hota hai NNPHFC. For the time being aap ye yaad rakhiye. Jab ye video end hogi tab tak aapko pata chal jayega ki NNPHFC ka matlab kya. Domestic income ka symbol hai NDPHFC. इसको भी फॉर द टाइम बिंग आप याद रख लीजिएगा। एक तो डिफरेंस में ये पॉइंट हो गया। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? वो इनकम जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है। नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो कुछ भी पैसा कमाया है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। वो इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है दैट इज नेशनल इनकम। ये नहीं देखना कि वो नॉर्मल रेजिडेंट हमारे इंडिया का है ना, बस इतना देखना कि इंडिया का है बस। उसके अलावा ये नहीं देखना कि उसने कमाया पैसा कहाँ पे है। हमने सिर्फ ये देखना इट मस्ट बी अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट हमारा कनाडा में भी बसा हो सकता है, इंडिया का हमारा नॉर्मल रेजिडेंट यूएसए में भी बसा हो सकता है। सपोज मैं कनाडा चले जाऊँ, 7 महीने वर्क परमिट लेके वहाँ पे काम करा, फिर 8th मंथ में इंडिया आ गया, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही कहलाऊंगा। जो मेरी 7 महीने कनाडा में मैंने कमाई करी है वो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में ही गिननी जाएगी, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में क्या है, इट इज द इनकम विच इज अर्निंग्स। नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होते हैं जो किसी देश में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रह जाए और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में लाया करना चाहिए। डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हो। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है, एरिया विद इन दिस मैप, इंडियन मैप, और हमारे इंडिया की चाइना में भी एम्बेसी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है एम्बेसीज। समुंदर का एरिया भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना आता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक का, 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारी रशिया में है, फ्रांस में है, जहाँ पे इंडियन आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले क्या कहते हैं जवान जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेके वापस आते हैं। इन 4 जगहों पे मींस मैप के अंडर वाला एरिया, एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, समुंदर का एरिया विद इन 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर, मींस इन 4 जगहों पे जो भी कमाई करी है उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। चाहे ये कमाई किसी हिंदुस्तानी ने करी है चाहे गैर हिंदुस्तानी ने करी है, मीन्स अगर इन 4 जगहों पे कमाई करी होगी तो वो डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया ही मानी जाएगी। और नॉर्मल रेजिडेंट्स जो कमाई करते हैं चाहे इंडिया में रह के चाहे आउटसाइड द इंडिया रह के, जहाँ पे भी कमाई करेंगे तो वो नेशनल इनकम होगी इंडिया की, ठीक है। इसमें हम ये नहीं देखते कि पैसा कमाया कहाँ पे है, और इसमें हम ये नहीं देखते कि पैसा कमाया किसने है। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन होगी, नेशनल इनकम इज द इनकम विच इज अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, वाइल डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम विच इज अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री नो मैटर हु जनरेट्स इट। हम ये नहीं देखते कि कौन जनरेट कर रहा है। नेशनल इनकम इज द इनकम विच इज अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, वेयर एज डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम विच इज अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री नो मैटर हु जनरेट्स इट। मीन्स किसने कमाया हमने यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम में नहीं ध्यान देना, और कहाँ कमाया वो हम नेशनल इनकम में नहीं ध्यान देंगे। सो अब हम अगला टॉपिक करते हैं कि नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है, या डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक इनकम जिसका सिंबल क्या होता है, NDPHFC है ना। डोमेस्टिक इनकम जिसका सिंबल NDPHFC होता है, इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करें और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करें।
स्पेक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या है? मींस अगर तुम्हारा कोई भाई बहन कनाडा में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वहाँ पे वर्क परमिट के लिए, वर्क परमिट पे गया, जो कमाई वो वहाँ पे करेगा वो फैक्टर इनकम इंडिया के लिए होगी। मींस वो बाहर से इंडिया में पैसे लेके आ रहा है, मींस हमारे देश में आ रहा है पैसा, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बाहर से हमारे देश में पैसा आ रहा है। मीन्स तुम्हारा भाई बहन कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में है, वर्क परमिट पे है, वो पैसा तुम्हारे को इंडिया में भेज रहा है, तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई। ये प्लस करेंगे और इसमें माइनस कर दे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब नेपाली बहादुर जो से तुम्हारे घर में गाड़ियाँ साफ करते हैं, वो पैसा तुम्हारे से ले जाते हैं और वो कहाँ पर पैसा जमा करवा देते हैं, नेपाल भेज देते हैं, तो ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गई, ये हम माइनस कर देंगे। और ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करके मेरे पास आती नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का सिंबल होता है NNPHFC। नेशनल इनकम का सिंबल NNPHFC होता है। अब हमारा अगला कंसेप्ट कि ये NDPHFC NNPHFC है क्या, तो अब वो अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। तो इकोनॉमिक्स में इनकम की नाम की शुरुआत में पहला लेटर क्या हो सकता है? मीन्स इकोनॉमिक्स में पहला लेटर जी या एन हो सकता है। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, एन स्टैंड फॉर नेट, नेट एनिटी नेट। और बिगर कंसेप्ट्स मैं सारे इस तरफ लिखूंगा, स्मॉलर कंसेप्ट सारे मैं इधर लिखूंगा। तो ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन होता है, याद रखना। डेप्रिसिएशन के और नाम क्या है? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तीसरा नाम है डेप्रिसिएशन का करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तीसरा नाम इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये हमारे डेप्रिसिएशन के अलग दो नाम है। अब दूसरा लेटर क्या हो सकता है? दूसरा लेटर हो सकता है नेशनल, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डोमेस्टिक। दूसरा लेटर एन या डी हो सकता है। एन और डी में फर्क किस चीज का होता है? नाइफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, ये नाइफा की फुल फॉर्म तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, और ये निकलता कैसा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। वैसे आपने पेपर में पूरा लिखना है नेशनल माइनस डोमेस्टिक, जैसे ग्रॉस माइनस नेट इज डेप्रिसिएशन। दूसरा इकोनॉमिक्स के नाम, इनकम के नाम पे या तो एन हो सकता है लेटर या डी हो सकता है। एन इज अ बिगर कंसेप्ट, डी इज अ स्मॉलर कंसेप्ट, और इन दोनों में फर्क किस चीज का है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का। फ्रॉम एब्रॉड, और मैं आगे वीडियोज में, अगली वीडियोज में नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम एब्रॉड पूरा नहीं लिखूंगा, मैं नाइफा लिखूंगा, पर अपने एग्जाम में पूरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लिखना। और इसी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का आगे फॉर्मूला पता क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। मीन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मीन्स तुम्हारा कोई भाई बंधु बाहर गया है वर्क परमिट पे, कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया किसी भी देश में, वहां से पैसा भेज रहा है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगा? मींस नेपालियों को हम सब पैसा दे रहे हैं गाड़ी साफ करने के लिए, वो सारा पैसा कहाँ पे भेज देते हैं? नेपाल में। तो वो क्या होगी? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो याद रखना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपका कोई भाई बहन बाहर से पैसा आपके लिए इधर भेज रहा है, तो वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाहर से इधर पैसा आ रहा है। माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश से पैसा बाहर जा रहा है, जैसे नेपाली गाड़ी धो रहा है एंड हम उसको पैसे दे रहे हैं एंड वो सारा पैसा नेपाल भेज रहा है, तो वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा। तो अब अगला थर्ड लेटर क्या हो सकता है? पी एंड पी, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। थर्ड लेटर पी पी ही हो सकता है, तो पी और पी का डिफरेंस क्या होगा? जीरो। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, पी एंड पी का डिफरेंस जीरो होगा।
फिर उसके बाद फोर्थ लेटर हो सकता है एमपी एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा कंसेप्ट, फैक्टर कॉस्ट छोटा कंसेप्ट। इन दोनों में डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। मैं इसको न्यूमेरिकल्स में एनआईटी से एब्रीविएट करूंगा, बट आपने एग्जाम्स में पूरा लिखना है। ये किसके इक्वल होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये चीज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज के इक्वल होती है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? अब तुम्हारी ट्यूशन फीस किंग्सीज मैथ्स पार पे 2000 है पर मंथ फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, तो वो विदाउट एनी टैक्स है, तो वो क्या होगी? फैक्टर कॉस्ट। अगर इसमें मैं जीएसटी ऐड कर दूं, 200 रुपया जीएसटी ऐड हो गया, तो 2200 क्या होगी? उसकी मार्केट प्राइस होगी।